चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड 2019 में सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जलवा लगातार दूसरे साल भी जारी रहा, तो वहीं इस साल उनकी बेटी कृति को भी पिता के साथ अवार्ड जीतने का श्रेय हासिल हुआ। जी हां, इस अवार्ड शो में जहां खेसारी लाल यादव को उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म संघर्ष के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो वहीं उनकी बेटी कृति को भी डेब्यू बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। कृति का यह पहला अवार्ड है जो किसी भोजपुरी फिल्म अवार्ड में मिला है। आपको बता दें कि कृति यादव को दुल्हन गंगा पार के लिए उन्हें डेब्यू चाइल्ड एक्टर का अवार्ड मिला है। दुल्हन गंगा पार में कृति एक बेहद ही अहम किरदार में थी और कृति को अपने पहली फिल्म के लिए खूब सराहना भी मिल चुकी है। अवार्ड मिलने के उत्साहित खेसारी लाल यादव उनकी बेटी ने खुशी जाहिर किया है, साथ ही साथ भोजपुरी सिनेमा स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड का शुक्रिया अदा भी किया है। आपको बता दें कि इसका फोटोग्राफ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और हर कोई खेसारी लाल यादव और कृति यादव की इस फोटो को भारी मात्रा में सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए नजर आ रहा है। खेसारी लाल यादव ने दुल्हन गंगा पार के सेट से बात करते हुए कहा कि कृति ने जिस तरीके से शॉट दे रही है, यह मुझे यकीन हो रहा है कि बिना किसी ट्रेनिंग को वो इतना अच्छा कर रही है, तभी तो वो खेसारी लाल यादव की बेटी कृति ने यह अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव पिछले साल भी उनकी फिल्म मेहंदी लगा के रखना के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। ये वही फिल्म थी जिसने भोजपुरी सिनेमा की दशा बदल दी थी और सार्थक सिनेमा की शुरुआत हुई थी।